मैं उसकी शादी उस चार्ली के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों मूवी बेल बॉटम की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच उनकी अगली मूवी अतरंगी रे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मूवी में अक्षय कुमार के साथ सारा अली खान और धनुष भी लीड रोल में होंगे। मूवी को आनंद एल रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं। मूवी की रिलीज में अभी काफी वक्त है, लेकिन मूवी में अक्षय कुमार के किरदार को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतरंगी रे में अक्षय का किरदार वास्तविकता में है ही नहीं, बल्कि वो सारा अली खान का इमेजिनेशन है। अक्षय कुमार का किरदार सारा अली खान के दिमाग की उपज है। मूवी में सारा का किरदार एक हैंडसम आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इसके बाद ही उनके इमेजिनेशन से अक्षय कुमार का किरदार बनता है। अक्षय का किरदार रियल ना हो मगर धनुष का किरदार बिल्कुल असली है। मूवी में धनुष का किरदार सारा के किरदार से प्यार करता है। धनुष को सारा की इमेजिनेशन में उपजे अक्षय के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। सारा को लगता है कि अक्षय दुनिया के सबसे परफेक्ट आदमी है, लेकिन धनुष खुद अक्षय से ज्यादा परफेक्ट शख्स बनने की चाह रखते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस साल मार्च में अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी। अब इस तस्वीर में उन्होंने जादूगर जैसे कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में ताश का पत्ता भी था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया था कि उन्हें मूवी अतरंगी रे की शूटिंग को पूरा कर लिया है। उन्होंने धनुष और सारा का भी आभार जताया था। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि अक्षय मूवी में जादूगर का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि इसका पता मूवी के ट्रेलर देखने या इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वेल दर्शकों, आपको क्या लगता है कैसा होगा अक्षय का किरदार, कितनी मजेदार और हटके होगी ये अतरंगी रे? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।